मेरे प्यारे देशवासियों, कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहब। श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई, बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। अवार्ड देने वाली जूरी ने यह पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया। जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागीदार रही, बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में यह काम हुआ। लखपत गुरुद्वारा जाने का सौभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। मुझे वहां जाकर असीम ऊर्जा मिलती थी। इस गुरुद्वारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है। मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि गुरु साहब ने मुझसे निरंतर सेवा ली है। पिछले वर्ष नवंबर में ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इस बात को मैं जीवन भर अपने हृदय में संजोकर रखूंगा। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई बहनों के लिए अब दरबार साहब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है। साथियों, ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी, और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। मानवता की सेवा की परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जयंती पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।